की पत्नी शाइस्ता परवीन दूसरी शादी करने वाली हैं। क्या अशरफ की पत्नी जैनब ने भी दूसरे निकाह के लिए सोच लिया है? इस तरह की तमाम खबरें तेजी से फैल रही हैं। क्यों? क्योंकि अतीक और अशरफ को मरे 4 महीने से ऊपर का समय हो गया है, तो ऐसे में न सिर्फ इस्लामी नियमों के मुताबिक शाइस्ता परवीन की 4 महीने 10 दिन की इद्दत खत्म हो गई है, बल्कि जैनब का भी इद्दत का समय पूरा हो चुका है। तो ऐसे में अगर दोनों कहीं और निकाह करने के बारे में सोचती हैं, तो कर सकती हैं। खैर, अभी तक दोनों कहाँ छुपी बैठी हैं? किसने उन्हें शरण दी है, कुछ पता नहीं चल पाया है। कोई कह रहा है कि शाइस्ता बुर्का गैंग के जरिए देश छोड़कर भागने में कामयाब रही, तो कोई कह रहा है कि शाइस्ता को छुपने में पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। खैर, अब शाइस्ता कहाँ है, इसका तेजी से पता लगाया जा रहा है। शाइस्ता को भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है। शाइस्ता के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम को भी भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। अब ऐसे में खबरें आ रही हैं कि शाइस्ता छुपकर शादी करने वाली है, तो इस खबर में कितनी सच्चाई है, चलिए बताते हैं। दरअसल इस्लाम के मुताबिक कोई भी महिला इद्दत का वक्त पूरा होने के बाद आज़ाद होती है, वो अपनी पसंद से दूसरा निकाह कर सकती है। इद्दत को लेकर इस्लाम के कई नियम है। इसके मुताबिक जब तक कोई महिला इद्दत में होती है, तब तक वो किसी पराए मर्द से नहीं मिल सकती, उसे देख नहीं सकती। उस दौरान महिला को सिर्फ 3 आदमियों से मिलने की इजाजत होती है, एक महिला का पिता, दूसरा महिला का भाई और तीसरा महिला का बेटा। इसके अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देखना इस्लाम के खिलाफ होता है। लेकिन इद्दत का समय खत्म होते ही वो पूरी तरह से आज़ाद होती है, वो दूसरा निकाह भी कर सकती है। तो ऐसे में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का इद्दत पीरियड खत्म हो चुका है। अब शाइस्ता कोई नई चाल चल सकती है। शाइस्ता ने कोई ना कोई रणनीति तो जरूर बनाई होगी, क्योंकि लगातार छुपकर रहना संभव नहीं है। हो सकता है अब इद्दत खत्म होने के बाद शाइस्ता सरेंडर कर दे। दरअसल अतीक की मौत से पहले ही शाइस्ता परवीन फरार हो गई थी। ना तो वो अतीक की मौत पर आई, ना ही बेटे असद की मौत पर। इतने दिनों वो सिर्फ अंडरग्राउंड है। पुलिस को ऐसे कोई सबूत भी नहीं मिले हैं कि उसने अपने परिवार से संपर्क किया हो। ऐसे में ही माना जा रहा है कि हो सकता है वो इद्दत के समय का इंतजार कर रही हो। एक और संभावना है कि अब जबकि शाइस्ता किसी से भी मिलने के लिए आजाद है, तो वो अपने गैंग को फिर से रिवाइव कर सकती है, गैंग के सदस्यों से फिर से संपर्क साध सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस वक्त का इंतजार कर रही थी। अगर शाइस्ता परवीन या फिर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की तरफ से कोई भी कदम उठाया जाता है, तो पुलिस जाल बिछा कर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।